इस सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखिए, आपको लगेगा कि किसी दफ्तर के अंदर विवाद का है। कोई उग्र होकर किसी को पीट रहा है, कुर्सियां तक उठा ली गई है, किसी का सिर फूट गया है, लोग बाहर ले जा रहे हैं, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। आप बेगूसराय के रजिस्ट्री ऑफिस का वीडियो देख रहे हैं जिसमें रजिस्ट्रार को ही सामने के दुकानदार ने पीट दिया। रजिस्ट्री ऑफिस के सामने कंप्यूटर की दुकान चलाने वाले शख्स ने चालान को लेकर ऐसा बवाल मचाया कि सरकारी दफ्तर में घुसकर रजिस्ट्रार को ही पीट दिया। एक मोहन नाम का कोई लड़का आया और एसीसी काउंटर जहां पब्लिक चालान जमा करता है वहां के हंगामा करने लगा कि चालान यहां जमा नहीं कीजिए, मेरे यहां से चालान बनवा के और SBI में जमा कीजिए। उसके बाद हल्ला करके चला गया। जब हम भिस्ती खत्म हुआ तो जो बैंक का कर्मी है वो और एक दो लड़का जो चालान जमा करने के लिए खड़ा था वाकई मुझसे शिकायत की अक्सर ऐसा ऐसा बात है, वो चालान यहाँ जमा करने से मना कर। मैंने उससे पूछा कि वो लड़का कौन, बताया कि सामने में उसका कंप्यूटर शॉप। तो मुझे लगा कि उस युवा लड़का है, उससे क्या बात करें, उसके पिताजी को। मैंने कहा उसके पिताजी को बुला लो, उनके पिताजी को समझा देंगे कि ऐसा घटना न करे, ये सब काम न करे। उसके पिताजी आए तो पिताजी भी पूरा ऑफिस में आके और कार्यालय में वो हंगामा करने लगे। तो वहाँ के कुछ पब्लिक थे, उनके पिताजी को वहाँ से हटा के लेके बाहर चले। उसके बाद मैं बैठ के एज यूजुअल दैनंदिनी काम करने लगा। उसी दौरान चार पांच लड़का पूरा शोर शराबा हल्ला करते हुए आया और इजलास के पास एक कुर्सी रखी हुई थी, वो कुर्सी उठा के मेरे वो सिर पे दे। ये तस्वीर काफी है ये बताने के लिए कि बेगूसराय में बदमाश कितने बेखौफ हैं। इन्हें ना तो प्रशासन का डर है और ना ही इस बात का कि किसी सरकारी अधिकारी से बुरा व्यवहार कर रहे हैं, वो भी दफ्तर के अंदर। पूरी घटना तेघरा थाना क्षेत्र के रजिस्ट्री ऑफिस की है। आप सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं कि एक युवक रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ और कुर्सी उठाकर रजिस्ट्रार के टेबल पर मारपीट कर रहा है। इस घटना में जहां रजिस्ट्रार के सिर में चोट आई, वहीं ऑफिस टेबल को तोड़फोड़ दिया गया। घटना के बाद ऑफिस में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर रजिस्ट्रार की जान बचाई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। वादी से बातचीत, रजिस्ट्रार साहब से बातचीत करने के बाद उन्होंने बताया कि यहाँ आसपास के लोग जो है बैंक में पैसा जमा करने के संबंध में शिकायत मिली थी, उनका कहना था कि चलान कहीं और से कटे, इसी संबंध में विवाद बढ़ा जिसकी वजह से मारपीट हुई है। बाकी इन लोग जाँच करके उसकी कार्रवाई करें। पुलिस भले ही मामले की जांच कर रही हो, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसी सरकारी ऑफिस में घुसकर ऐसे मारपीट किया जाएगा तो भला सरकारी अधिकारी काम कैसे करेंगे। बेगूसराय से सौरभ कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।